हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं काफ़ी ज्ञान देने वाली हूँ। नॉट काफ़ी बट यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोग इसको काफ़ी मिस आउट कर देते हैं। सो द टॉपिक इज़ व्हाई सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देन कीप ऑन वॉचिंग। सो आई एम श्योर काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि सनस्क्रीन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, उससे हमें एक्चुअली क्या होता है और इसे कब यूज़ करना है क्या। सो वेट, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। सो बेसिकली सनस्क्रीन इज द ईजिएस्ट एंड बेस्ट वेज टू प्रोटेक्ट योर स्किन अपेयरेंस एंड हेल्थ एट एनी एज। तो अगर हम इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो ये स्किन कैंसर से, प्रीमेच्योर एजिंग से और सनबर्न से हमें बचाता है। तो सनस्क्रीन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे अपने डेली रूटीन में ऐड करें। तो अब बात आती है सनस्क्रीन को यूज़ कैसे करना है। तो जैसे कि आपका रूटीन होता है ये CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, तो उसके बाद ही सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। और सनस्क्रीन आप अपने फेस पे, नेक पे, बॉडी पे, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आपने कहीं बाहर सन एक्सपोजर में जाना है उसे 30 मिनट्स पहले आपको अप्लाई करना है और हर 2 घंटे बाद इसे रीअप्लाई करना है, या अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग इसको आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। सो आप इंटरनेट पे बहुत सुनते होगे SPF 30, SPF 50, बट ये SPF बेसिकली क्या है? सो SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एंड SPF 30 एंड SPF 50 के बीच में आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं और वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है एंड वो हार्मफुल UVB रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अब आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा दैट सनस्क्रीन प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डेली लाइफ फॉर योर स्किन केयर, बिकॉज ये हमें काफ़ी सारी रेस से बचाता है और बहुत चीज़ों से ये हमें बचाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली कर देती है उनकी स्किन को, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप अपनी स्किन टाइप को जानिए एंड उसके अकॉर्डिंगली ही सनस्क्रीन बाय कीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए आप जेल बेस्ड या फिर वाटर लाइट बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके लिए क्रीमी बेस की आपकी सनस्क्रीन चलेगी। और जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ इट इज़ फ्रॉम डॉटन की, और उसकी मैं यहाँ पे पिक्चर पोस्ट कर दूँगी एंड उस पर मैंने अपना फुल रिव्यू भी दिया हुआ है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी और आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो मेरी काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं जो भी फ्यूचर में वीडियोज़ पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।